Pindi Express has left the station, that's for sure. Assalamu alaikum, welcome to Shoaib Akhtar's YouTube channel. Aur kal bahut bada final hone ja raha hai. Kya aapko lagta hai New Zealand jeet jayega? Kya aapko lagta hai ki New Zealand ye karnama kar payega? Dil to yahi chahta hai ki New Zealand jeet jaye. Aur dil bhi yahi manta hai. Lekin kya kare, aage England khadi hai. England kya unko jeetne degi? Toss jeet gayi pehle aur wicket acha hua. तो इंग्लैंड ने मार मार के भुरता निकाल देना न्यूजीलैंड का. लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है मार्टिन गप्टिल के लिए, निकोल्स के लिए, कि वो आके कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें. सारा का सारा उन्होंने निज़ाम जो है वो सारा का सारा बोझ रॉस टेलर और उस पर केन विलियमसन पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो लंबे चौड़े स्कोर नहीं कर पाते. अगर न्यूजीलैंड के ओपनर जॉनी बेयरस्टो और रॉय जैसी बैटिंग करने में कामयाब हो जाए तो ये पेचा पड़ सकता है. सो ये देखना बाकी होगा कि क्या ओपनर्स वर्सेस ओपनर हो गए. ये बैटल विद इन द बैटल्स होगी, न्यूजीलैंड के ओपनर्स वर्सेस इंग्लैंड के ओपनर्स. अगर कुछ थोड़ा बहुत मैच नज़र आना चाहिए और ये हमें पता लगना चाहिए कि कि न्यूजीलैंड फाइनल यू नो अच्छा खेल के पहुँचा है यहाँ पर, तो मैं फिर भी सपोर्ट करूँगा न्यूजीलैंड को. लेकिन फेवरेट मैं करार दूंगा इंग्लैंड को. सो ये बैटल विद इन द बैटल्स होंगी, ये बैटल्स न्यूजीलैंड को जीत रही होंगी. लेकिन ये न्यूजीलैंड नहीं कर सकता, ये नहीं चाह सकता कि अच्छी क्रिकेट बगैर अच्छी क्रिकेट खेले हुए वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाए. लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि इनेविटेबल क्लैप्स हो जाए इंग्लैंड का, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रेशर गेम है. मैंने जितनी बड़ी टीमें देखी हैं इस फाइनल में, सारी की सारी प्रेशर में चार ओवरों में आउट हो गई हैं. इंग्लैंड देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, और फिर ये देखें सेमीफाइनल देखें, चार ओवर्स में सारे के सारे चले गए. और जब भी बड़ा मैच हुआ वहाँ फंस गए आके. सो ये नहीं हो सकता कि इंग्लैंड अच्छा खेले बगैर और न्यूजीलैंड अच्छा खेले बगैर शायद ये फाइनल जीतने की कोशिश करे, और ये हो नहीं सकता, क्योंकि इंग्लैंड एक बहुत बड़ी टीम है जो मुझे लगता है कि हिस्ट्री क्रिएट करेगी कल लॉर्ड्स में पहला फाइनल जीत के. और ये फाइनल इंग्लैंड में हो रहा है, और इंग्लैंड में जीते तो इससे अच्छा क्या समा बनेगा. फिर भी हैविंग सेड दैट, आई रियली थिंक दैट यू नो न्यूजीलैंड हैज़ टू प्ले वेल, न्यूजीलैंड हैज़ टू गो आउट देयर. दे गॉट ऑल कॉर्नर कवर्ड्स, बट दे नीड टू समहाउ परफॉर्म इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गेम. यू सी, ये मैं पहले कह बैठा हूँ, गप्टिल नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस बैड फॉर्म, ही हैज़ टू परफॉर्म. लॉर्ड्स का गेम मैच है, ग्राउंड छोटा है, ग्राउंड में स्कोरिंग शॉट्स ज़्यादा लगेंगे, साइड वाली बाउंड्री छोटी होती है, बेरिस्टो को सूट करती है, जेसन रॉय को सूट करती है, जेसन रॉय का रिस्ट वर्क बड़ा अच्छा है. ये अगर ओपनर वर्सेस ओपनर चल गए तो ये लंबा चौड़ा स्कोर हो सकता है. फिर भी मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड हैज़ अ बेटर चांस. माई फेवरेट इज इंग्लैंड, बट माई हार्ट सेज यू नो न्यूजीलैंड शुड विन, बिकॉज वो कभी आज तक जीते नहीं. बड़ी उन्होंने मार खाई है 75 से लेके अभी तक वो कुछ कर नहीं सके. फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि एक अच्छा मैच देखने को मिले. माई हार्ट वॉन्ट्स टू विन, वॉन्ट्स टू यू नो वॉन्ट्स न्यूजीलैंड टू विन, बट माई ब्रेन सेज लिसन यू गॉट अ बैक द इंग्लैंड टीम बिकॉज दे आर विनिंग इट, बिकॉज दे आर वन द मोस्ट स्टेबल टीम. ये वाइट टीम है पूरी इस वर्ल्ड कप में जहाँ जिनके ओपनर्स हैं, लेकिन इनके पास मिडिल ऑर्डर भी बहुत तगड़ा है. जहाँ पे इनके पास मिडिल ऑर्डर तगड़ा है वहाँ पे इनके पास जॉस बटलर भी, जो स्टार ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकता था, लेकिन वो हो नहीं सका इसलिए कि बेन स्टोक के ऊपर खिला रहे हैं. बेन स्टोक अगर नीचे आ जाते या आ जाएं, स्ट्राइकर ऑफ द बॉल अच्छे हैं, जॉस यू नो जो बटलर हैं, बटलर अगर ऊपर खेले, उनको 100 बॉलें मिले तो वो भी हर मैच में 100 लगा सकते थे. बड़ी आसान क्रिकेट है आज के दौर में, चार तीन दायरे हैं, मज़े से मारो लूटो, कोई चक्कर ही नहीं है. क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इज नॉट देयर एनी वेज, बट द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नीड्स टू बी प्लेड आउट टुमारो एंड टू सी कि नो अच्छी टीम अच्छा मैच जीत के आगे निकलती है. लेकिन ये जो क्लैप्स देखने को मिले हैं दो सेमीफाइनल्स में, ये अजीब से लगा मुझे, ये नहीं होने चाहिए. सेमीफाइनल में ऐसा ना हो, एक कांटेदार मैच हो. यही वो ग्राउंड था लॉर्ड्स, जहाँ पर हम भी 131 पे आउट हो गए, और हम वो बड़ा बहुत बुरा फाइनल हारे हैं. वो एक बहुत बड़ी रिग्रेट थी जिंदगी की, कि 99 का फाइनल वर्ल्ड कप का, अगर हम टॉस जीत के बॉलिंग कर जाते तो इंग्लिस्तान को हमने उनको हैरान कर देना था. लेकिन
आई वॉज अ बैड डिसीजन टू बैट फर्स्ट और रियली बैड डिसीजन, और उस बैड डिसीजन की वजह से हमने वर्ल्ड कप हाथ से गवा दिया। और ये जानते हुए भी कि सारी रात बारिश हुई वहाँ पर, वो सारी रात बारिश होने की वजह से बॉल में पिच में डैम्पनेस थी, उसमें सीम बहुत ज़्यादा हो रहा था, और लेकिन जो ही विकेट धूप निकली विकेट स्लो हुआ साफ हुआ विकेट सीधा हुआ, वो हम तो पहले ही फारग हो चुके थे। लेकिन वो बड़े बहुत बड़ी रिग्रेट थी मेरी 99 वर्ल्ड कप की, कि अगर पाकिस्तान वहाँ टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर जाता, अपने आप को बैक कर जाता, तो मेरे ख्याल में एक तीन 99 का वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप, 2007 का T20 वर्ल्ड कप, और इवन दैट ये वर्ल्ड कप भी इतना मुश्किल नहीं था लेकिन ये पाकिस्तान पहले ही मैच से वेस्टइंडीज के मैच से हार गया और रन रेट में फंस गया। लेकिन इतने तीन से चार वर्ल्ड कप हमें क्वालिफाई करना चाहिए, 96 के क्वार्टर फाइनल बहुत बुरी तरह हारे इंडिया से, वो हमें करना चाहिए था। सो पाकिस्तान ने बहुत सारे वर्ल्ड कप गवाए, हिंदुस्तान ने बहुत सारे गवाए वर्ल्ड कप, लेकिन आई रियली थिंक दैट यू नो इंग्लिस्तान इट ही इज विनिंग द वर्ल्ड कप टुमारो एंड आई रियली थिंक दैट यू नो दे गोना हैमर न्यूजीलैंड, बट somehow अगर न्यूजीलैंड कैरेक्टर दिखा गया तो आई थिंक हैट्स ऑफ द न्यूजीलैंड एंड गॉड न्यूजीलैंड डू एट योर बेस्ट, यू गॉट नथिंग टू लूज, यू आर द सेकेंड सेमी फाइनलिस्ट कंसेक्यूटिवली इन अ सेकेंड वर्ल्ड कप, सो प्लीज गो आउट देयर एंजॉय अ गेम, नो प्रेशर, all gun blazing, I need to go out there, you know, just destroy England somehow. So I really think that England is going to come back hard at them, or my prediction is England is winning the World Cup, and that's what my brain is saying and telling me. So keep subscribing my YouTube channel, thank you very much, I love you all. Oh, Pindi Express has left the station, that's for sure.